हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो निकलता है उसका छोटा कार्ड किस प्रकार से निकाला जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोविन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट निकालते हैं तो वो A4 पेज या मतलब काफ़ी बड़ा निकलता है, तो लोगों को जो है संभालने में उसे काफ़ी दिक्कत आती है। तो उसी कार्ड का आप छोटा कार्ड किस प्रकार से फोटोशॉप की सहायता से बना सकते हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कोविन की जो वेबसाइट है वहाँ पर से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आपको फोटोशॉप ओपन करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो PDF फाइल है वो यहाँ पर ओपन कर लेनी है। अगर आपके पास 7.0 फोटोशॉप है तो उसमें अगर नहीं ओपन होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसे ओपन करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया पेज लेना है जिसकी साइज़ आपको रखनी है 4x6। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसे इमेज में जाकर रोटेट कर देना है। 4x6 दोस्तों कोई फिक्स साइज नहीं है, लेकिन मैं इस पर पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद में जो प्रिंट करेंगे उस टाइम इसकी जो सही साइज़ है वो सेट कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से आपको इमेज रोटेट कर लेना है पहले, जो भी हमने ब्लैंक पेज लिया उसको। उसके बाद में इस वाले टूल्स को आपको यूज़ करना है जो कि फर्स्ट नंबर पर है। इसकी सहायता से जो है हम सबसे पहले ये मेन हेडिंग है सर्टिफिकेट ऑफ कोविन का जो है इसको हम क्रॉप कर लेंगे यहाँ से। इसे दोस्तों यहाँ से खींच कर ड्रैग करके इस वाले पेज पर ले जाना है। उसके बाद में से यहाँ से आपको सेट कर लेना है किस एरिया में इसको आपको लेना है, इसको बीचों बीच ले लेना है ताकि हमारा जो दूसरा पार्ट भी वो आ जाए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है बेनिफिशरी डिटेल्स। तो आपको फिर से यही टूल से लेकर आधे पेज की जो साइज़ है इसे यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करके दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। जो एक साइड में हम बेनिफिशरी डिटेल ले लेंगे, उसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट है वो आधी जगह में ये ले लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसे सेट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसे अप्लाई कर देंगे। आप अपने हिसाब से इसे अच्छे से भी और जमा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों जो नीचे का जो वैक्सीन डिटेल्स है इस वाले पार्ट को और जो आधी जो जगह बची वहाँ पर इसे सेट कर देना है। तो इसे फिर से आपको सिलेक्ट कर लेना है और इस टूल्स की सहायता से यहाँ पर आधी जगह में इसे सेट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों इसे शिफ्ट की बटन की सहायता से इसे खींच लेना है आपको। दोस्तों इसका आपको एक फॉर्मेट बना लेना है ताकि आपको हर जब भी आप किसी का निकालो तो उस फॉर्मेट में सिर्फ आपको मेन जो चीज़ें वो आप कॉपी करने के बाद में उसे आप हर किसी को दे सकोगे, आपको इतना टाइम नहीं लग पाएगा उसमें। उसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन आता है हमारा, यहाँ पर जो मोदी जी का फोटो है इसे क्रॉप कर लेते हैं और इसे साइड में यहाँ पर लगा देते हैं ताकि हमारा सर्टिफिकेट थोड़ा सा अच्छा लगे। दोस्तों ये सर्टिफिकेट मैं सिर्फ एक ही पार्ट में बनाने वाला हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में आपने कि दोनों साइड आपको सर्टिफिकेट बनाकर बताया है, लेकिन ये सर्टिफिकेट मैं अभी आपको एक ही साइड में बनाकर बता दूंगा। उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो हेडिंग है दवाई भी कढ़ाई भी इसको भी हमें यहाँ पर ऊपर सेट कर देना है। इसके बाद में यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों हमारे वीडियो की जो मेन डिटेल है वो लगभग अभी हो चुकी है। इसके बाद में एक इसमें एक ऑप्शन QR कोड का बच जाता है। QR कोड भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी अगर स्कैन करेगा तो QR कोड के द्वारा ही स्कैन कर पाएगा। तो आपको ओरिजिनल वाला जो QR कोड जिसका सर्टिफिकेट रहता है उसी को आपको लगाना होगा। तो इसे भी दोस्तों क्रॉप कर लेते हैं और इसे ड्रैग करके वहीं फिट कर देते हैं इसे फिर से। अभी दोस्तों हमारे QR कोड का जो है बार कोड का यहाँ पर जो है अभी जगह नहीं सही इसे दिख रही है हमको, तो इसे दोस्तों यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं और जो ये वाली हेडिंग है इसे नीचे जमा देते हैं। तो दोस्तों इसे यहाँ पर आपको खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर इसे अप्लाई कर देना है फिर से। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप एक नीचे वाला ऑप्शन देख रहे हो, इसे भी इसके साइड में हम लगा देते हैं। यहाँ पर इसे बड़ा कर देना है दोस्तों थोड़ा सा आपको खींचकर। ठीक है दोस्तों, हमारा सर्टिफिकेट का जो छोटा कार्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों एक लाइनिंग डाल देते हैं इसमें
ब्लैक कलर की, यहाँ से आपको नीचे से। तो दोस्तों हमारा लगभग जो आधार कार्ड जैसा कार्ड है ये बन चुका है। तो दोस्तों इतना वर्क अगर कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा और कलर करेक्शन कर देते हैं हम, ताकि जो हमारा जो कार्ड है वो थोड़ा सा प्रिंट में तेज आए। तो यहाँ पर आपको इमेज में जाकर यहाँ पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ से। इसके बाद में दोनों तीनों ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करके एडजस्ट में जाकर ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट है इसको बढ़ा देना है। इसके बाद में दोस्तों हमारा कार्ड लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में इसका हमारा को काम ख़त्म हो गया। इसके बाद में दोस्तों और आपके हिसाब से थोड़ा सा अच्छा से एडजस्ट कर लेना है, ताकि कार्ड हमारा जो है अच्छा दिखे कस्टमर के लिए। तो दोस्तों ये वाली हेडिंग आपको सेव कर लेनी है, जो मेन चीज़ें इसमें, ताकि आपको इतना टाइम नहीं लग पाए। दोस्तों जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो तो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन बच जाता है इन सभी को इमेज को एक इमेज में चिपकाने का, मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा फ्लैटर्न इमेज, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो अलग अलग हेडिंग है वो सब एक ही में फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारी जो इमेज अलग अलग थी वो एक में फिट हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ले लेते हैं, ब्लैक बॉर्डर ले लेते हैं दोस्तों इसकी, ताकि थोड़ा सा प्रिंट में अच्छा लगे वो। दोस्तों ये वाला कार्ड आप पीवीसी कार्ड में भी दे सकते हो, अगर आपके पास पीवीसी प्रिंटर है तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो पीवीसी वाले दोस्त हैं जिनके पास पीवीसी प्रिंटर है उनको आपको यहाँ से जो हमारा T16 की जो ID ओरिजिनल साइज़ है इस पर आपको यहाँ से ऐसे ले जाकर इस साइज़ पर आपको सेट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको पता ही होगा कि कैसे यहाँ से आपको प्रिंटर निकालनी है। तो ये फॉर्मेट तो दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जिन दोस्तों के पास नॉर्मल प्रिंट निकालनी है जो कि ग्लॉसी पेपर पर निकालनी है, तो आपको 4x6 पेज ले लेना है और यहाँ पर इसकी साइज आपको पता ही होगा। तो दोस्तों दोनों साइड के जो प्रिंट है वो देने से अच्छा है कि इस प्रकार का आप एक कार्ड है इसको देख कर बना लीजिए और इसका एक फॉर्मेट आपको रख लीजिए, ताकि आपको मेन की जो बीच वाली हेडिंग है बेनिफिशियरी डिटेल्स और वैक्सीन डिटेल्स है इसको आपको सिर्फ उधर से काट कर इधर आपको डालना है इस फॉर्मेट पर, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, वहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक में से आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक से आपको वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, मेन हेडिंग तो रहेगी से उसकी, जो सर्टिफिकेट है उसमें से आपको पीछे वाला पार्टीशन वहाँ से क्रॉप करके उसमें डाल लेना है और प्रिंट करके दे देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पर एक लाइक दे दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आप आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।